जेड़ा हाजी बैदुल्ला वल जांदा है ओ भी कफन दी तरह सफेद चादरा पहन के जांदा है। पता चलिया हाजी सफेद चादरा कफन दी तरह पहन के दसना चाहते हैं। लोग वेख लो ना अपना आप अंदरों मार के आ गया जे, अपना आप अंदरों मार के आ गया जे, मैं मुर्दा बन के आ गया जे, अपने रब दी बारगाह च पेशी देने आया हूं, अपने नफ्स नु मार के आया हूं, अपनी ख्वाहिशात नु मार के आया हूं। अल्लाह फरमांदा लिबास भी एक जैसा पहन के आ जाओ, बेशक तुहाडे नस्लां वखरियां ने, तुहाडे रंग वखरे ने, तुहाडियां जुबानां वखरियां ने, पर अज इको ही बोली बोल दियो सारे मरदे आओ, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, अपनी अपनी बोलियां छड़ के, अपने अपने लिबास छोड़ के इको लिबास च आ जाओ, इको बोली बोल दे आ जाओ। हाजी जदू फिर काबे दा तवाफ करदा है, जदू हजरे अस्वद नु चमदा है, जदू आबे जमजम पींदा है, जदू सफा मरवा ते दौड़ा लगांदा है, जदू मीना मुजदलफा अरफात जमरा ते जांदा है, नाले रो रो के दुआवां करदा है, ते अर्ज करदा है या अल्लाह अज तू 4000 साल पहले किवें तेरा इब्राहिम दौड़ा लगांदा रहा, अवेख ले मैं भी दौड़ा लगा रहा, किवें ओ चुमदे रहे मैं चुमदा रहा, किवें ओ दौड़दे रहे मैं भी दौड़दा रहा, किवें ओ अनसीला लिबास पहन दे सर देख ले मैं भी अनसीला लिबास पहन के आ गया, अपनिया आजजियां लेके आ गया, अपने गुनाह लेके आ गया, अपनिया करतूतां लेके आ गया, तेरी रहमत दे वक्त दे समंदर च आ गया, नेक ते नहीं पर नेका विच आ गया, नेक ते नहीं पर तेरे नेक च आके खलो गया, हुण मेरे गुनाह ना वेखी अपने उना पकीजा बंदियां वल वेख के रहमत दी निगाह कर दे। ताइयो मेरे नबी ने फरमाया हाजी जदों हज करके लौटदा है गुनाहां तो इंज पाक हुंदे जिवें अज पैदा होया। الصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين واله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مقدر بلند والا بولے صلاۃ و سلام علیک یا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि व बारक व सल्लम के बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक पढ़ने दे शर्फ हासिल कीता, क्योंकि ज़ुल्हज्जा शरीफ दा माह मुकर्रम तशरीफ लेके आ रहे हुज्जाज किराम दे काफिले मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा दी तरफ रवा दवा ने। तो अज दा खुतबा जुमतुल मुबारक उस बैतुल्ला शरीफ और उस हज बैतुल्ला शरीफ के मुतलक है जिदे इंतजार और जिदे दीदार वास्ते हर मुसलमान का दिल तड़पता है। एक मुसलमान की सब तो बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश यह होंगी है कि मैं एक बार जिंदगी च हज बैतुल्ला दरे रसूल की हाजरी पेश करावा। खुशबख्त लोग जिन्होंने अल्लाह करीम यह बुलावा अदा करे। गिरामी कदर हजरात इस आयत मुबारक के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास, फरमाया कि दुनिया के अंदर जो सब तो पहला घर बनाया गया लोगों वास्ते वज़ा किया गया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का तो मुबारक व हुदल्लिल आलमीन। फरमाया वो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मुबारक भी है और हुदल्लिल आलमीन सारे आलमीन वास्ते हदायत भी है। बैतुल्ला शरीफ चूंकि सारी जमीन दे वस्त दे अंदर दरमियान दे अंदर जिवें इंसान दे वजूद दे दरमियान च नाफ है, इस तरह काबा पूरी जमीन दे दरमियान च इनू जमीन दी नाफ भी किया जाता है, जमीन दा वस्त भी किया जाता है। यहूदियों ने मदीना तैयबा विच ये मशहूर कर दिता कि मस्जिद अक्सा दुनिया विचों पहला मकान है जिहड़ा बनाया गया, जिहड़ा दुनिया की जमीन उत्ते पहला मकान बनया वह मस्जिद अक्सा है, वह बैतुल मुकद्दस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वेले आयत मुबारक नाजल फरमाई, फरमाया नहीं बैतुल मुकद्दस नहीं, फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास जिहड़ा जमीन उत्ते इंसान वास्ते सब तो पहला घर बनाया गया मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ही जिहड़ा काबातुल्ला है। यहूदियों के दावे ने छुट ला दिता गया। तो काबा शरीफ वो इमारत जिन्हों आज दुनिया कायनात देखने वास्ते जाती है, असी इत्थे भी नमाज पढ़िए तो असी कहने मुंह तरफ काबा शरीफ। इस काबातुल्ला नूं इस बैतुल्ला नूं अल्लाह करीम ने कैसे मकाम अता किए, कैसिया फजीलत अता कीतियां, इन्हों अल्लाह ने बनवाया किस तरह। अच्छा थोड़ी जी तारीख में आप अहबाब के हवाले इंशाल्लाह अर्ज़ गर्ज करांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कायनात को बनावन का इरादा फरमाया तो खालिक कायनात ने इस जमीन के उत्ते पानी को पैदा फरमाया, पानी के अंदर जग पैदा हुई, उस जग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा फरमाया कि मैं इतों जमीन बनावा, सारे पानी की जग जिस जगह जमा हुई यानी ऐन दरमियान के अंदर उत्थे अल्लाह करीम ने काबा बनवाया। इसे ही जगह की मिट्टी लैके हजरत आदम अलैहि सलाम का वजूद अतहर भी बनाया गया। तो गिरामी कदर हजरात काबा जो बनावन का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन बनाई, जमीन उत्ते जिन्नात नु पैदा किया, इंसान तो पहले जिन्नात जमीन से बस बस दे सन। अल्लाह ने फिर जब हजरत आदम अलैहि सलाम को बनावन का इरादा किया तो इरशाद फरमाया इद काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, फरमाया असा फरिश्तों को हुक्मन फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनावन लगा। फरिश्तों ने अर्ज की या अल्लाह ना बनावे व नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुकद्दिसु लक, असी थोड़े तेरी इबादत करने वास्ते असी है ना तेरी तस्बीहात बयान करने वास्ते इंसान नु ना बनावी, मैं युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कहने लगे कि या अल्लाह खून रेजियां करेगा फसाद करेगा, क्योंकि जिन्नात ने जमीन ते इतना फसाद किया ते फरिश्तिया ने देखिया, फरिश्तिया ने समझिया कि जिस तरह जिन्नात फसाद करते ने इंसान भी कोई ऐसी मखलूक होगी वह भी फसाद करेगी। तो मलाइका ने अर्ज की या अल्लाह इंसान ना बनावी ये खून रेजियां करेगा फसाद करेगा। परवरदिगार ने फरमा इन्नी आलमु मा ला तअलमून, फरमा जो मैं जानना तुसी नहीं जानते। अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम नु बना लिया। हुन मलाइका नु ख्याल आया कि शायद अल्लाह करीम साढ़े ते नाराज हो गए,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जला ले गुस्सा एक है अल्लाह आदम नु बनाना चाहंदा सी ते असी आख्या ना बनावी अल्लाह ने फिर भी बना लिया हुन रब नाराज हो गए हुन फरिश्तियां नु समझ नहीं आ रही कि असी रब नु किवें राजी करिए उन्हें की कीता आ जिहड़ा काबा है जिहड़ा बैतुल्लाह है इहदे बिल्कुल उपर आसमान ते एक होर बैतुल्लाह है जिन्हों बैतुल मामूर किया जाता है उन्हों फरिश्तियां दा काबा किया जाता है सारे मलाइका इकट्ठे होके ते बैतुल मामूर दे इर्द गिर्द चक्कर लगावन लग पे अल्लाह ने वेख के फरमाया फरिश्तों एक ही पे कर दियो उन्हें अर्ज की या अल्लाह साडा ख्याल है कि तू नाराज हो गया है हम तेनों राजी कि मैं करिए समझ नहीं आ रही ते असी बैतुल्लाह दा चक्कर लगा रहे हैं तवाफ कर रहे हैं अल्लाह नु अदा पसंद आई अल्लाह फरमाया फरिश्तों तुसा मैनू राजी करने वास्ते बैतुल मामूर का तवाफ किया है फरमाया हुण मैं इंसान बनावन लगा इंसान भी गलतियां ते गुनाह करना ने ते मैनू नाराज करना है इंज करो कि बैतुल मामूर दे बिल्कुल नीचे एक होर घर बनाओ जिहदा नाम बैतुल्लाह होवेगा जदों ओ इंसान भी मैनू नाराज कर लैणगे उस काबे दा के तवाफ करनगे मैं उन्हां ते भी राजी हो जावांगा यानी मेरे तेरे दुनिया ते आवन तो पहले ही रब ने साडी बख्शिश दा समान भी बना दिता गुनाह जो कीते नहीं आए असी दुनिया ते नहीं ते रब ने काबा बना के साडी बख्शिश साडी माफी साडी तौबा दा ऐलान कर दिता अल्लाह ने फरिश्तों नूं फरमाया कि जमीन ते उतर जाओ ते जाके एक घर बनाओ बिल्कुल बैतुल मामूर दे नीचे फरिश्तों ने आके ते उत्थे एक काबा बनाया एक घर बनाया फरिश्ते आके दा तवाफ करदे रहे जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन ते तशरीफ लेके आए थे अल्लाह ने फरमाया आदम हुण तुसी भी एक मरतबा मेरा काबा बनाओ आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा काबा बनाया दो मरतबा बन गया एक बार फरिश्तों ने फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया गिरामी कदर हजरात हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम तो लेके अज तक दुनिया एदा तवाफ कर दी आ रही अल्लाह रब्बुल इज्जत एदे ते अपनी खास निगाह रहमत कर दे हालांकि वह भी एक मकान की तरह एक मकान है मगर रब ने उन्हें अपना कह दिता फरमाया बैतुल्लाह अल्लाह दा घर हालांकि रब उत्थे बसदा नहीं बस अल्लाह ने उहदी निस्बत अपने वर कर ली कि यह मेरा घर है तो जिस तरह हर इंसान अपने घर की हिफाजत कर दे इंज अल्लाह भी अपने घर की हिफाजत कर दे तो याद है ना कि जदों असहाबे फील आए ओ हाथी वाले आए काबे नूं मिटावन वास्ते ते अल्लाह ने फील वालियां नूं अबाबीलां कोल मरवा दे ते दस्या कि तुसीं अपने घर की हिफाजत कर दे मैं भी अपने घर की हिफाजत करना अल्लाह ने काबा बनाया गिरामी कदर हजरात बनवाया रब ने बनाया आदम अलैहि सलाम ते फरिश्तियां ने हजरत नूह अलैहि सलाम दा जदों तूफान आया तूफान ने नूह तो सारी कायनात उस पानी च गर्क हो गई इंसान जिन्नात जानवर सब खत्म हो गए ओ बचे जड़े हजरत नूह अलैहि सलाम दी कश्ती दे विच मौजूद सन उस वेले काबे नूं फरिश्ते उठा के दोबारा आसमान ते लै गए सारी जमीन गर्क हो गई हर चीज तबाह हो गई सिर्फ एक काबा बचिया बैतुल्लाह बचिया कि फरिश्ते नूं उठा के फिर आसमान ते लै गए दौर आ गया अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दा जब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम सारे इम्तिहानात जो पास हो गए उस वेले रब तआला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम नूं फरमाया ए इब्राहिम ते इस्माइल हुण तुसीं दोवें बाप ते पुत्र नबी मिलके मेरा काबा बनाओ घर बनाओ गिरामी कदर हजरात उन इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने पुत्र इस्माइल नूं नाल लिया जिब्रील अमीन अलैहि सलाम नूं अल्लाह ने भेजा कि जाओ जरा नक्शा बना के देखे आओ ना इमारत का नक्शा बना के देखे आओ गिरामी कदर हजरात नक्शा बनाया जिब्रील ने मिस्त्री बन के इब्राहिम खलीलुल्लाह मजदूर बन के इस्माइल ज़बीहुल्लाह अल्लाह उन्हें बनवान वाला जिब्रील नक्शा बना के देने वाला हुण जिहड़ी बुनियादा उत्ते हजरत आदम ते फरिश्तियां ने काबा बनाया ना वह बुनियादा चुके मिट गई पानी की वजह तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मैं कित्थे काबा बनावा शुरू कित्थों करना है बुनियाद कित्थे बनानी है इहदे नीह कित्थे निकालनी है तो अल्लाह ने एक बदल नूं हुक्म दिता कि बदल दे टुकड़े जा ते जाके उन्हीं जगह ते साया कर दे जिथे बैतुल्लाह दियां बुनियादां सन जिथे फरिश्तियां ते आदम ने काबा बनाया हुण बदल दे टुकड़े ने आके ते उत्थे साया कर दिता इब्राहिम अलैहि सलाम ने निशान लगा ले अगली गल सुनावा बदल ने अर्ज की या अल्लाह
मां भी मजदूरी की थी, मां भी निशान लगवाए ने, मैनू भी के इनाम दे। अल्लाह फरमाया बदल के टुकड़े इन पहाड़ों पर फिरदा रहे, अज तू कुछ हजार साल बाद के मेरा माही आवेगा, जो मक्के की गलियां च टुरया करेगा तो मेरे यार दे सिर ते साया करके तू भी नाल टुरया करे। बदल का टुकड़ा सी जिन्हें काबे दियां बुनियादां बनवाईयां। गिरामी कदर हजरात, हुण अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहि सलाम काबा बना रहे। पढ़ा कुरान, जिंदी तुसां सुभान अल्लाह आखी है ना, इहदे नाल नहीं पढ़िया जाना भाई, मेरे कोलों थोड़ा होर जोर लगाओ। जिन्हें जिन्हें हाथ नहीं ना चुके नाल दा बिल्लू नूं पुछो तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं भाई, जे तबीयत ठीक है तो अपना भी तो नाल दे दा भी हाथ चुके नहीं उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे। मैं इत्थे ही खलो के आ जब इत्थे ही बैठ के तुहानू इंशाअल्लाह काबतुल मुकरमा दे तसब्बुर और तखय्युल चले जाना है। अल्लाह करे साडी सब दी हाजरी हो जाए। वैसे मैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नू मैं चले जाना हाज करन वास्ते इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो मेरा दिल के अज दे जुमतुल मुबारक सी ओ हाजरियां ओ सारियां हजूरियां असीं इत्थे बैठ के पेश कर लईए। तो जिहड़े नहीं जा सकदे उहनां दे बारे किड्डा सोहणा मशहूर कौल है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह दा, आ फरमांदे ने मुर्शिद भी काबे दी तरह होंदा है, मुर्शिद काबे ते तरह होंदा है, मुरीद इत्थे खलो के जदों काबे वल मुंह करके कहंदे ना मुंह तरफ काबा शरीफ दे खलोते सी पाकिस्तान दी मस्जिद च ते काबा किथे, पर असी कहने मुंह तरफ काबा शरीफ अल्लाह अकबर जदों करने ना ते काबे दा फैज मिलना शुरू हो जांदा है, काबे दा फैज मिलना शुरू हो जांदा है। आप फरमांदे ने मुर्शिद भी काबे दी तरह होंदा है, मुरीद जिथे भी खलो के मुर्शिद वल चेहरा कर ले मुर्शिद दा फैज मिलना शुरू हो जांदा है। हुण उच्चा सुभान अल्लाह फरमा मैं कुरान पढ़ा पे। अल्लाह ने रिजा फरमाया वा इज़ यरफ़ु इब्राहीम वा इज़ यरफ़ु इब्राहीमुल कबाइद मिनल बैत वा इस्माईल। जेड़े वेले अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहि सलाम ते इस्माईल ने काबे दियां दीवारां नूं बनाना शुरू कर दिता, जेड़े वेले दीवारां बुलंद हो गईयां अर्द कीती रब्बना تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। कुरान सुन के जे देख ले जे ठंड पई हो बोले सुभान अल्लाह। إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। अल्लाह दे दोना नबिया ने मैनू तुहानू दसिया जदों को भी नेक अमल कर लो अल्लाह दी बारगाह च आकड़िया जे ना नेक अमल करके दुआवां करे आज रब्बना तकबल मिन यही अर्दा करते आया जे या अल्लाह कबूल फरमा ले, या अल्लाह साडी हिम्मत कबूल फरमा, साडी इबादत नु कबूल फरमा। नौजवानों जड़े वेले काबा बनाया जा रहा जेड़े इज़ यरफ़ु इब्राहीमुल कबाइद जेड़े वेले दीवारा बुलंद हो गई हूँ इब्राहीम अलैहि सलाम नु एक कूह की लोड़ पै गई, एक जगह की लोड़ पै गई, दीवारा बुलंद हो गई हूँ उपर वाली ईटा किवें लगाइए, उपर वाले पत्थर किवें लगाइए। अल्लाह ने फरमाया जाओ एक पत्थर ढूंढ के ले आओ। जेड़े वेले जिबरीले अमीन आए अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहि सलाम ने जिबरील दे नाल इस्माईल नु भेजे आओ, फरमा जाओ एक पत्थर लैके आओ। अल्लाह के नबी इस्माईल ते जिबरील का पत्थर लैके आए, इब्राहीम उस पत्थर के ऊपर खड़े हो गए। नौजवानों जो जो दीवारा बुलंद आंदियां ने पत्थर भी हवा च बुलंद आंदा जांदा है, इब्राहीम नु अगे जावण दी लोड़ पैंदी है, पत्थर आप ही टुरदा है, वह पत्थर उच्चा भी आंदा टुरदा भी है, उच्चा भी आंदा टुरदा भी है।
जद सारिया दीवारा बुलंद हो गई उस पत्थर ने गो का कम दिता। अल्लाह के नबी इब्राहिम जड़े वेले पत्थर तू नीचे आए, पत्थर ने पिघल के अपना सीना इब्राहिम के कदम के नीचे रखे, उदे ते इब्राहिम के कदम के निशान लग गए। अल्लाह परमा पत्थर मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ने उस पत्थर का कुरान च जिक्र फरमाया, फरमाया पत्थर मकाम इब्राहिम, फरमाया दे कोल हाजी उदो नफल पड़िया जे मैं जदू काबे दे अंदर गया उस पत्थर दी मैं दियारत की थी जिन्हों मकाम इब्राहिम किया जाता। मैं पूछया तेन सारी दुनिया क्यों चुम दी है, कहिंदा मैं नबी दे कदम चुमे सन सारे मैनू चुमी जांदे। हुण सारे मैनू चुमदे ने क्यों, मैं नबी दे कदम चुमे। पत्थर होर भी बड़े ने पर चुमे नहीं जाते, दो ही पत्थर ने, एक मकाम इब्राहिम है एक हजरे असवद है। इब्राहिम अलैहि सलाम ने काबा बनाया ना, हुण हजरे असवद नू नसब करना सी। अल्लाह फरमा सारे पत्थर बार, ओ जड़ा पत्थर है ना उन्हों काबे दे वेच नसब करो, वेच नसब करो भाई। वह भी पत्थर, वह भी पत्थर, पर उन्हों फरमाए नू काबे दी नुक्कर दे वेच दफन करो जिन्हों हजरे असवद किया जाता है। ये हजरे असवद की है, थोड़ी जी एदी तारीख सुना दे मां। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे सही, माशाल्लाह। अल्लाह बार बार ये सब नू शहादत देवे। ये जंती पत्थर है, जंती पत्थर, नबिया दे दिल इस पत्थर दे विच रख के थाल इन बनाया गया। इहदे विच रख के नबिया दे दिल धोए जांदे सन भाई। इहदे तो सुभान अल्लाह कहनी सी। जन्नत दे अंदर एक पत्थर थाल सी, इहदे च रख के नबिया दे दिल धोए जांदे सन। पत्थर इतना सफेद सी, इतना सफेद सी कि इहदियां नूरी नूरानी लाटां मशरक ते मगरब तक जांदियां सन। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया चुम चुम के ते इंसाना दे गुनाहां नू काला कर दिता, इस वास्ते इहनू असवद किया जांदा है। मैनू सच्ची दस, जिहड़े पत्थर नू गुनाहगार ते मुशरक चुमे, क्योंकि मुशरक भी इहनू चुमदे सन ना इस्लाम तो पहले, उन्हां दे गुनाहां ते कुफर दी वजह ते काला हो गया। ते जे गुनाहां दी वजह तो पत्थर दा आ हाल हो गया ते दस गुनाह दी वजह तो इंसान दे दिल दा की हाल हुंदा होवेगा, दिल कितना को काला हो जाता होगा। इस वास्ते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जदों इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल उत्ते एक काला नुकता लग जाता है, दूसरा गुनाह करता दूसरा नुकता लगता है, तीसरा गुनाह करता तीसरा नुकता लगता है, हत्ता कि उसका दिल काला हो जाता है। फिर उसके वास्ते गुनाह और सवाब की तमीज़ खत्म हो जाती है, उन्होंने गुनाह भी गुनाह नहीं लगता। तुसी सोचोगे गुनाह कर करके दिल काला हो जाता फिर वो सफेद किवें आता है। मेरे नबी ने फरमाया हर चीज़ को साफ करने वास्ते कोई ना कोई साइकल, साइकल तो मुराद कोई ना कोई रेग मार होता है। फरमाया दिल को साफ करने वास्ते भी एक रेग मार है, वो दिल को साफ कर देता। पूछे या रसूल अल्लाह केड़ा, फरमाया अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र वो रेग मार है जिहड़ा दिल को फिर साफ कर देता है। इस तरह गिरामी कदर हजरात हजरे असवद इंसाना के गुनाह चूस के काला हो गए। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया हजरे असवद अल्लाह दा सज्जा हाथ है, दाया हाथ है, तवज्जो दाया हाथ है। तुसी मेरे घर आओ ते मैनू मिलो ते मैं तुहाडे नाल सलाम लवांगा दाए हाथ दे नाल, मैं तुहानू मिल जावां तुसी दाए हाथ नाल मेरे नाल सलाम लवोगे कि मैं मेज़बान हाँ तो तुसी मेहमान हो। जो तो बंदा अल्लाह के घर जाता है तो दिल करता मैं अल्लाह का मेहमान बन के आया, रब मेरा मेज़बान है। इंसान का दिल करता मेरा रब मेरे ना सलाम लवे, मैं अपने रब ना सलाम कहाँ, दिल करता ना है हाथ नहीं। पर मेरे नबी ने फरमाया हजरे असवद रब का दाया हाथ है। नहीं समझे आ जरा इस तरह हाथ रख के ना, क्योंकि हजरे असवद ने इस तरह चुमया जाता है, इस तरह हाथ रखो आ जेडे दो हाथ रखने ने यह समझो रब नाल मुसाफा किया है।
जिन्होंने समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। आ मुसाफा है ताकि इंसान के दिल के ख्याल ना आवे कि मैं रब के घर गया तो मिले ही नहीं, ओ मिले ही नहीं। क्या मुसाफे वास्ते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाए हजरे असवद अल्लाह दा दाया हाथ है। आ जड़ा असी वलियां दे हाथ चुमने ना ये सानू हजरे असवद ने सिखाया है। हो सकता कोई आके आसी साहब होते अल्लाह दा दाया हाथ है हालांकि रब दा हाथ नहीं, वो हाथ तो पाके वो जिस्म तो पाके ला मिसल लहू वला मिसाल लहू, मगर तशबीह दी गई ना जिमे रब नू काबे दी घर दी लोड़ ते नहीं ना, पर काबा बैतुल्लाह कहा गया कि अल्लाह दा घर। इस तरह हजरे असवद रब नू हाथ दी लोड़ नहीं पर अल्लाह ने तशबीह दी फरमाया ये हाथ है दाया इन चुमना। हो सकता किसी नू ख्याल आए आसी साहब उते जंटी पत्थर है ते ओनू ते चुम लईए ते बंदियां नू क्यों चुमना है ए पीरां नू क्यों चुमदे ने, मैनू सच्ची दस असी सारयां नू ते नहीं ना चुमदे, नहीं ना चुमदे जिवें पत्थर भी सारे नहीं चुमदे एक नू चुमने आ क्यों ओ जंटी है ते बंदे भी सारे नहीं चुमदे उहनां नू चुमने आ जिहड़े जंटी ने। ते जे जंटी पत्थर चुमिया जा सकदा है ते जंटी बंदा नहीं चुमिया जा सकदा, थोड़ा वाजे मतलब जे जंती पत्थर चुमया जा सकदे ते जंती बंदा भी चुमया जा सकदा है। हजरे असवद लोगां दे गुनाह चूस चूस के काला हो गया और ए ना कोई समझे कि हरे पत्थर दा पत्थर ही है, ना ना या जे हजरत उमर फारूक ने चुम के फरमाया तेन मैं कदे ना चुमदा जे तेन मैं कमली वाले ने चुमदा ना वेखदा, फरमा ना तो नफा देना है ते ना नुकसान देना है, फायदा तो कोई नहीं नफा भी कोई नहीं नुकसान भी तो नहीं दे सकता, चुमन की होर कोई वजह नहीं एक कोई वजह कि तेन हजूर ने चुमे कोल ही मौला अली खलोते सन फरमान लगे ना ना उमर ये नफा भी देता ही तो नुकसान भी देता ही। अगर तुमरे फारूक ने फरमाया अली ओ किवें ओ किवें, आपने फरमाया कि जदों अल्लाह ने आलमे मिसाक दे अंदर आलमे अरवा विच जद रूहां कोलों वादा लिया ना ते अल्लाह ने सारिया रूहां काफिरां दियां मुसलमानां दियां मुशरकीन दियां सब दियां रूहां नूं इकट्ठा करके ते अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम कि आ मैं तुहाडा रब हां ते सारे ने आख्या कालू बला हाँ तू साडा रब है। अल्लाह ने फरमाया सारिया रूहां मन दियां रब आख्या हाँ तू रब है। अल्लाह फरमा चलो हुण मेरे नाल वादा कीता है हुण जरा ये तहरीर ना लिख लीए ये मुआहदा लिख ना लीए। जिबरील कागज लेके आए सारिया रूहां दे दस्तखत कराए गए हर एक दा मुआहदा लिखिया एक पत्थर करीब सी उस वेले हजरे असवद अल्लाह ने इन्हू फरमाया अपना मुंह खोल इन्हें मुंह खोलिया ओ जड़ा मुआहदा मेरी है तो तुहाड़ियां रूहां कोलो आलमे अरवा च लिया गया ना ओ मुआहदा लिख के अल्लाह ने दे मुंह च डाल दिता इन्हें मुंह बंद कर लिया जेड़ा ते इन्हू चुमेगा ते काबे दा करेगा तबाफ क़यामत नू ए पत्थर उन्हू पहचान के गवाही दे के आखेगा या अल्लाह आलमे अरवाज भी इन्हें तेनों ही रब मनिया सी ते मैं गवाही देना दुनिया ते भी जाके तेनों ही रब मनदा रहा है वह ते जावेगा जन्नत च ते जिदे बारे हजरे सद गवाही देवेगा ना कि या अल्लाह आलमे अरवाज तेन तेनों रब मनिया पर दुनिया ते जाके मुकर गया ते बुतां दी पूजा करदा रहा वह जावेगा दोज़ख च। मौला अली फरमान लगे उमर आ वेख लै नफा भी देंदा ही ते नुकसान भी देंदा ही ये हजरे असवद नु चुमन वाले असल च ओदा मुआहदे दी तजदीद करन वास्ते जांदे ने कि ए हजरे असवद कयामत नु सानू पहचान लई कयामत नु साडी गवाही देवी कि असी आलमे अरवा च भी काबे दे रब नु ही मनदे रहे हां ते दुनिया ते ब्याह के असी काबे दे रब नु ही मनदे रहे हां। ये हजरे असवद ने कयामत नु गवाही देनी है। गिरामी कदर हजरात हुन अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहि सलाम ने हजरे असवद नु जड़े वेले नसब कीता अगली गल करिए मुर्शिद चुप रहे मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। नौजवानों पत्थर हजरे असवद भी पत्थर मकाम इब्राहिम भी पत्थर काबा भी पत्थर नाल बनया है। थोड़ा जा काबे तो दूर जाइए को होर पत्थर दा जिक्र है। अल्लाह ने कुरान च फरमाया फरमाया इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह अल्लाह ने फरमा सफा ते मरवा अल्लाह दियां निशानियां ने इथे आके दौड़े आज इथे आके दौड़े आज। नौजवानों सफा मरवा की है वो भी दो पत्थर ने दो पहाड़ ने अल्लाह ने फरमा मेरी निशानियां ने अर्ज की दिया अल्लाह वजह की है फरमाया इथे हाजरा दे कदम लग गए अल्लाह दी बंदी दे कदम लग गए अल्लाह दी वलिया दे कदम लग गए एक नबी दी बीवी एक नबी दी माँ दे कदम लग गए
अल्लाह फरमाया निशानी बन गई है, ए अल्लाह दी निशानी बन गई है। नौजवानो जुमा पढ़ना ना बाले हो जेड़े पत्थर ते पहाड़ ते अल्लाह वाले दे कदम लग जान, ओ पत्थर भी रब दी निशानी ने, ते जेड़ी कबर जो अल्लाह वाला लेट जाए ओ कबर भी रब दी निशानी। अच्छा जिथे वली दा कदम लग जाए बोले सुभान अल्लाह। अच्छा जिथे कदम लग जाए पत्थर ते वली दा ओ हुंदी रब दी निशानी, ते जेड़ी कबर विच वली आप ही लेटिया होवे बोले ही नहीं। तुसीं दाता साहब जाते हो तो तुहाडे ते शिरक दे फतवे नहीं लग जाते, बाबा फरीद जाते हो तो लोग कहते ने मुशरक ही हो गया, एक कबर परस्त ने एक कबरां ते जाते ने, वो झलिया कदे ईमान की निगाह नाल वेखते सही, जेड़े पत्थर ते कदम लग जे अल्लाह वाले दा ओ रब दीयां निशानियां बन जांदे ने, ते जेड़ी कबर दे विच अल्लाह वाला लेटिया होवे ओ कबर भी रब दी निशानी होंदी है। अल्लाह फरमांदा है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्हा मिन तक्वल कुलूब, अल्लाह फरमांदा है मेरियां निशानियां दी इज्जत ओ ही करदा है जिहदे दिल च तकवा होवे। नहीं समझे, ऐ सुनियां दे दिल च तकवा ही है ना, कदे बाबा फरीद दे दरबार ते कदे दाता साहब दे दरबार उते कदे किसे मिजार उते कदे किसे वली दे मिजार उते जांदे ने, क्यों असी ताजीम करने आ उन्हां दी इस वास्ते क्योंकि रब ने फरमाया वमई उअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्हा मिन तक्वल कुलूब, अल्लाह फरमांदा मेरियां निशानियां दी इज्जत ओ ही करदा है जिहदे दिल च तकवा होवे परहेजगारी होवे अल्लाह दा खौफ होवे ओही रब दीयां निशानियां दी तज़ीम करदा है। हुण इह काबा बैतुल्ला हजरे असवद, इह हजरे असवद बड़ी वारी काबे चो चोरी होया, इहदी तारीख सुनावां ते कल दा उनवान सिर्फ हजरे असवद अगर बयान करां, इह बड़ी वारी काबे चो चोरी कीता गया। हुण भी हजरे असवद दी तुसीं तस्वीर बैतुल्ला शरीफ दे विच कोई इंटरनेट ते देखो ना, तुसीं देखोगे कि हजरे असवद करीब करके जूम करके देखो ते ओह टुकड़े टुकड़े वे, बड़ी बार चोरी हो गया, कई कौमां ने इन्हें चोरी किया लै गए अपने घर च रखने वास्ते, कई कबीले ने चोरी करके लै गए, कई मरतबा इन्हें तोड़ दिता गया टुकड़े टुकड़े हो गया, इन जोड़ के दोबारा बनाया जाता है, इहदे अंदर कोई ऐसी गूंद कोई ऐसी चीज़ रखी जाती जिहदे नाल जुड़ जाता है। अज भी इस तरह ही तस्वीर देखोगे तो मालूम हो जाएगा कि एक पत्थर नहीं है, इन जोड़ जोड़ के टुकड़िया च बना के जोड़िया गया क्योंकि कौमां ने इन्हें बड़ी मरतबा अग लगा दी। कई मरतबा तुसा पिछे जी देखिया कि बैतुल्ला शरीफ नू कई मरतबा लोगों ने अगवा करने की कोशिश की है, मुहासरा कर लिया, बड़ी मरतबा बैतुल्ला शरीफ से बड़े हमले किए गए, अग लगा दी गई, हजरे असवद नू चोरी करके कई कौमां लै गईयां। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे दौर विच भी जदों कुरैश ने काबा बनाया ना बचपन च हजूर दी जवानी एन जवानी के अंदर, तो कुरैश ने ख्याल किया कि असी एक मरतबा फिर काबा बनाइए जिहड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया सी, पुराना हो गया। कुरैश ने पैसे इकट्ठे किए मगर पैसे थोड़े, इमारत वड्डी सोचे की करिए, जिन्हें जिन्हें काबे की ज़ियारत की उन्होंने मेरी बात समझ आ गई, काबे के बाहर एक छोटी जी जगह जिसके इर्द गिर्द इस तरह करके छोटा जहा दायरा लग गया, उन्होंने कहते हैं हतीम, उत्थे लोग लोके नफल पढ़ते हैं। आ जिहड़ा हतीम की जगह है ना, ये असल च काबे के अंदर की जगह से, चूंकि कुरैश को पैसे घट गए इन्हें सोचा कि अगर असी उत्थे दीवार बनाई जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते फरिश्तियां ते आदम ने बनाई ते पैसे बड़े खर्च होने ने, इस तरह करो कि इमारत छोटी कर लो, वो जिहड़ी काबे की जगह बच जाएगी, उत्थे छोटा जिहा दायरा लगा दिओ ते पता लग जाए कि यह भी जगह काबे दे विच ही है। वो जिहड़ा हतीम है ना जिहड़ी इस तरह करके दीवार लगाई है, असल च वह बुनियाद सी वह वाली जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते फरिश्तियां ते आदम ने काबा बनाया सी। कुरैश ने पैसे थोड़े होवन की वजह तो दीवार थोड़ी अंदर कर ली, उस जगह पर निशान लगा दिता कि एक काबे की जगह है। गिरामी कदर हजरात जदों कुरैशिया ने नबी पाक की जवानी च काबा बना लिया तो हजरे असवद नूं जदों नसब करन दा वेला आया ना तो सारे कबीलों की लड़ाई हो गई, वह कबीले का सरदार आखे जी मैं काबे दे विच हजरे असवद नूं नसब करांगा, वह कबीले का सरदार आखे नहीं जी मैं वड्डा सरदार हाँ काबे दे विच हजरे असवद मैं नसब करांगा, लड़ाई तो झगड़े का खतरा पैदा हो गया।
क्योंकि अरबां दे अंदर जो लड़ाई होंदी सी ते कई कई हजार साल तक कई कई सौ साल तक चलती सी, कई कई लोग हजारा कतल होंदे सन, लड़ाई का झगड़े का खतरा पैदा हो गया। अगर कबाइल लड़ गए ते कई सौ साल तक लड़ाई चलेगी। उस वेले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक ऐलान फरमाया ते कुरैश ने उस ऐलान ते लबैक आखिया। मेरे आका ने फरमाया लड़ो ना, जेड़ा सुबह सब तो पहले काबे च दाखिल होवेगा हजरे अस्वद ओ न सब करेगा। सारे ही मन गए, कह लगे आ फैसला ठीक है। हुण गिरामी कदर हजरात सुबह जो उठे तो सारे काबे वाल दौड़ लग गई कि सब तो पहले मैं दाखिल होवां ते हजरे अस्वद काबे की दीवार च मैं नसब करा। पर जो सारे मक्खी आए तो वेख्या कमली वाले पहले ही बैठे हुए हैं। उस वेले जुमला पता की मक्खियां बोलिया, मैं तुहानू सुनावां लज्जत ले आजे। उन्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम पता की पुकारिया मक्खिया ने, कहन लगे मुहम्मदुन अमीनुन, मुहम्मद अमीन, अमीन अमानतदार, ये सब तो पहले आए ने हजरे अस्वद नूं ए नसब करनगे। मेरे नबी नूं सारे अमीन दा लकब दिता। उस वेले पढ़ा कुरान, सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, बे मुर्शद चुप रवे तो मुर्शद वाला हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरसीनी वहादल बलदिल अमीन। पूरे मके च एक अमीन, ते अल्लाह नु उस अमीन अल इतना प्यार है कि वह हाज़ल बलदिल अमीन कह के रब ने पूरे मके दा नाम ही अमीन रख दिता। अल्लाह फरमा मैनु उस अमीन शहर दी कसम है, क्यों उथे रब दा एक अमीन वसदा है, एक अमीन वसदा है। हुण काबे दे विच हजरे अस्वद रखण दा वेला आया ते नबी पाक सारे तो पहले पहुंचे। पर मेरे नबी दी फिरासत वेख जवानी च मेरे नबी ने फैसला की कीता। हजूर ने फरमाया कि चादर ले आओ, चादर ले आंदी हजरे अस्वद उठा के मेरे नबी ने चादर च रखिया। सारे कबीलियां दे सरदार बुला के ना ते मेरे नबी ने फरमाया सारे सरदार एक एक कोना पकड़ लो। लड़ाई मुका दी मेरे नबी ने, फरमा सारे कबीलों के सरदार इस चादर का एक एक कोना पकड़ लो। सारे कोना पकड़िया तो फरमाए हुण इन दीवारे काबा के नज़दीक लैके आओ। वह सारे सरदार शर्फ समझ के, इज़्ज़त समझ के, इनाम समझ के काबे की दीवार के कोल चादर लैके आए। तो नबी पाक ने आप अपने यदुल्ला वाले हाथों नाल उठा के ना तो हजरे अस्वद काबे की दीवार के विच रखिया। इस तरह बोसा लिया ना, हदीसे पाक के चांदा के नबी पाक जब काबे दा तवाफ किया ना, जब हज किया नबी पाक ने एक ही हज किया पूरी जिंदगी च। हुजूर ने आखिरी पहला ते आखिरी हज जिन्हों हजतुल विदा किया जांदा, उस दे दौरान नबी करीम हर तवाफ दे विच काबे दा ते हजरे अस्वद दा बोसा लैंदे सन। इत्थे एक शायर गुजरे फरजदक इमाम हुसैन दे दौरे च, उन्हें बड़ी मुहब्बत की गल लिखी सी। उन्हें आख्या लोगो तुसी ते इस तरह करके ते हजरे अस्वद दे इर्द गिर्द हाथ रख के ते बोसा लैंदे हो ना हजरे अस्वद दा। पर जदों नबी करीम अलैहि सलातो सलाम इंज करदे सन ना ते हजूर ये नहीं सन करदे कि मैं हजरे अस्वद दा बोसा लैण लगा, नहीं, हजूर अपने लब उपर रख के फरमाते सन लै चुम लै चुम लै, असीं उहनूं चुमने उह हजूर नूं चुमदा सी। ये तो मैं अगर मजीद बहस करा मैं फिर वक्त दरकार है, चूंकि वक्त की किल्लत है। मैं जो दो बार चार बात आप अहबाब को अर्ज करनी अजमत के हवाले नाल फजीलत के हवाले नाल, ये मेरा सारा बयान करने का मकसद है वे कि साथ आके साडे दिलों च शौक पैदा होवे कि असी भी काबे की ज़ियारत करके आईए, तो असी होर शौक बुलंद होवे जिहड़ा हज ना करे। अल्लाह ने ताकत भी दी होवे, दौलत भी दी होवे, सेहत भी दी होवे, वक्त भी दिता होवे। कई बाबे पता की कहते हैं मेरिया धियां जवान हो गई जी, उन्होंने शादी करके हज करा, पुत्र जवान ने तो फिर हज करा। नहीं, एक कोई मजूरी नहीं, एक कोई उजर नहीं कि अल्लाह की बारगज पेश करो कि मेरिया बेटियां जवान ने, मैं इस वास्ते हज नहीं करता। जिन्होंने ताकत भी हो, पैसा भी होहत भी हो, वक्त भी गुंजाइश हो, हज फर्ज है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिदे हज फर्ज हो फिर भी ना करे। नबी करीम ने फरमाया भावें यहूदी होके मर जाए तो भावें ईसाई होके मर जाए, इतनी बड़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उदे बारे में तज़ीर फरमाई।
फरमाया कि वो यहूदी या ईसाई होके मरे हो, सानू ओहदे नाल कोई गरज नहीं, जिहदे ते हज फर्ज भी होवे फिर भी ना करे। तो लिहाजा मेरी सारी तकरीर का लुबे लुबाब सारे फजाइल सुनावा का मकसद ये कि ईमान वाले के दिलों से मजीद शौक है तो शौक मगर मजीद पैदा हो कि मैं काबे का हज करके आवं, मैं उमरा शरीफ करके आवं, मैं नबी पाक के दलो दलों की हाजरी पेश करके आवं। रब ताला काबे ते रोजाना 160 120 खास रहमत नाजल करता है, खास रहमत भाई, खास रहमत। हूँ खास रहमत की है, आम रहमत की पहचान ये वे कि जिदे अल्लाह एक आम रहमत कर दे सारे गुनाह माफ, आम रहमत। पर 120 खास रहमत अल्लाह काबे ते रोजाना नाजल फरमा दे, 120 खास रहमत उन्होंने वास्ते ने कि 60 उन्होंने वास्ते ने जो काबा शरीफ का तवाफ करते हैं, 40 उन्होंने वास्ते ने जो काबे के सामने खलो के नमाज के नफल पढ़ते हैं, और 20 उन्होंने वास्ते ने जो सिर्फ काबे के वेड़े च बह के काबे की जियारत करते रहते हैं। ये रहमत उन्होंने मिलती हैं, पर काबा रहमत देता है, पर कोल बुला के है रहमत, उसके ऊपर रहमत वसदी है। जे रहमत लैनी होवे ते काबे जाना पैंदा है, कोई 2-4-5 लाख खर्चना पैंदा है, सफ़र करना पैंदा है, उत्थे जाके ते गर्मी बर्दाश्त करनी पैंदी है, सऊबत बर्दाश्त सफर दी करनी पैंदी है। रहमत लैनी होवे ते जाना पैंदा, पता लगा काबा है रहमत वाला, पर रहमत देंदा कोल बुला के। कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन ओ बुला के देंदा, कमली वाला घर आके दे जांदा, कमली वाला घर आके रहमत दे जांदा। गिरामी कदर हजरात काबा बड़ी अजमत वाला है कि अल्लाह उत्ते अपनी खास निगाह रहमत कर दे, खास रहमत की निगाह। हाजी जा रहे ने उत्थे काबा शरीफ, जाओ तो वेखो कोई किसी कबीले का, कोई किसी मुल्क का, किसी की जुबान पंजाबी, किसी की उर्दू, किसी की इंग्लिश, किसी की फारसी, मुख्तलि मुल्कों चो आए थे, अपनी अपनी जुबान, अपना अपना रंग, कोई काला, कोई गोरा, कोई गंदमी रंग का, कोई किसी रंग का, अपनी अपन नस्ल लैके, अपनी अपनी बरादरी लैके, अपने अपने पैसे लैके, अमीर भी, गरीब भी, फकीर भी, बादशाह भी, सारे ही आ गए। जो सारे इकट्ठे हो गए, एक तो इकट्ठे कर साल बाद मकसद ये कि अल्लाह फरमाता आओ मुसलमानों अपन अपन बरादरियाँ छोड़ के, इलाके छोड़ के, जुबाना छोड़ के, रंग नस्ल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इकट्ठे हो जाओ, एक जगह इकट्ठे होके इकट्ठे होके आलमे कुफर नो दसो कि असी रंगां दे वखरे आ पर कलमा एक है, काबा साडा एक है, नबी साडा एक है, कुरान साडा एक है, असि इकट्ठे हाँ। एक तो काबा दसद है कि मैं तुहानू बनिया इकट्ठा करने वास्ते, हुदल लिल आलमीन सारे आलमीन वास्ते हिदायत, उस सारिया नस्लों से बरादरियाँ हज वास्ते जो जांदियां इकट्ठे हो जाते, हुण अमीर भी उथे, गरीब भी उथे, फकीर भी उथे, बादशाह भी उथे, पर अल्लाह फरमाया हुण की करो, अल्लाह फरमाता सारे अपने अपने लिबास उतार के एक सफेद रंग का लिबास पहन लो, उन्हों सिलाना भी नहीं, क्योंकि जे बादशाह सुलांदा अपने पैसे दे हिसाब दे नाल सिला के पहन लैंदा, गरीब अपने हिसाब नाल पहन लैंदा। अल्लाह ने फरमा दो चिटियां चादरां लेके आ जाओ, उन्हां नूं सिलाई भी नहीं कराना। अल्लाह फरमांदा पुकला मार के आ जाओ, ओ जिहड़ियां दो चादरां सफेद हाजी पहन के आउंदे ने, नौजवान इंसान जद दुनिया ते टुर जांदा है उंजी सफेद चादरां पहना के इंसान कब्रस्तान वल भी लै जांदे ने, जिहड़ा हाजी बैतुल्लाह वल जांदा है ओ भी कफन दी तरह सफेद चादर पहन के जांदा है। पता चलिया हाजी सफेद चादर कफन दी तरह पहन के दसना चाहते हैं, लोग वेख लो मैं अपना आप अंदरों मार के आ गया, जे अपना आप अंदरों मार के आ गया, जे मैं मुर्दा बन के आ गया, जे अपने रब की बारगाह च पेशी देने आया, अपने नफ्स नु मार के आया, अपनी ख्वाहिशात नु मार के आया। अल्लाह फरमांदा लिबास भी एक जैसा पहन के आ जाओ, बेशक तुहाडे नस्लां वखरियां ने, तुहाडे रंग वखरे ने, तुहाडियां जुबानां वखरियां ने, पर अज इको ही बोली बोल दिया सारे भर दे आओ, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, अपनी अपनी बोलियां छड़ के अपने
अपने लिबास छोड़ के इको लिबास आ जाओ, इको बोली बोल दे आ जाओ। हाजी जदू फिर काबे दा तवाफ करदा है, जदू हजरे अस्वद नु चमदा है, जदू आबे जमजम पींदा है, जदू सफा मरवा ते दौड़ा लगांदा है, जदू मीना मुजदलफा अरफात जमरा ते जांदा है, नाले रो रो के दुआवां करदा है ते अर्ज करदा है या अल्लाह अज तू 4000 साल पहले किवें तेरा इब्राहिम दौड़ा लगांदा रहा, अब वेख ले मैं भी दौड़ा लगा रहा, किवें ओ चुमदे रहे मैं चुमदा रहा, किवें ओ दौड़दे रहे मैं भी दौड़दा रहा, किवें ओ अनसीला लिबास पहन दे सर वेख ले मैं भी अनसीला लिबास पहन के आ गया, अपनियां आजजियां लेके आ गया, अपने गुनाह लेके आ गया, अपनियां करतूतां लेके आ गया, तेरी रहमत दे वक्त दे समंदर च आ गया, नेक ते नहीं पर नेकां विच आ गया, नेक ते नहीं पर तेरे नेकां च आके खलो गया, हुण मेरे गुनाह ना वेखी अपने उन्हां पकीज़ा बंदियां वल वेख के रहमत दी निगाह कर दे। ताइयों मेरे नबी ने फरमाया हाजी जदों हज करके लौट दे गुनामा तू इंज पाक हुंदे जिवें अज पैदा होया, मेरे आका ने फरमाया हाजी उच्चा बोलो उच्चा, आमीन आमीन आमीन। ताइयों मेरे नबी ने फरमाया जदों हाजी हज करके आवे फरमा उहदे घर पहुंचो तो पहले पहले उहदे कोलों दुआ करा रहा करो, बख्शे आया जिहदे लई दुआ भी बख्शिया जाएगा। इस वास्ते हाजी पाक हो जांदा क्यों, यही जाके अर्ज करदा पाक ते नहीं आ पर पाकां च आ गया, नेक ते नहीं आ नेकां च आके खलो गया, हुण किसे नेक दा सदका मेरे ते भी करम दी निगाह कर दे। तो काबा इंसान नूं पाक करन वास्ते हुदल्लिल आलमीन बन के अल्लाह ने दुनिया ते भेजिया। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया काबा दुल्हन दी तरह क़यामत नूं सजाया जाएगा, जदों काबा दुल्हन दी तरह सजेगा ते अल्लाह फरमाएगा काबा तू जन्नत च जा। अल्लाह करीम काबे ने जदों फरमाएगा ना जन्नत च जा ते काबा अर्ज करेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरा महबूब मैनू वेखना दा रे, अज इजाजत दे मैं ते मैं तेरा माही ना वेख के आवां। काबा दुल्हन दी तरह सज के मेरे नबी दी ज़ियारत करन आवेगा, क्यों वो काबा है, मेरा नबी काबे दा भी काबा है, दुनिया काबे नूं वेखण जांदी है, काबा मेरे नबी नूं वेखण आवेगा। ते हजूर परेशान बैठे होवणगे ते काबा कहेगा जी क्यों परेशान हो, नबी करीम फरमानगे मेरे उम्मती गुनाह बड़े करके आए ने ते रब बड़े जलाले च अज की बन सी, ते काबा कहेगा ना परेशान होवो, माशर दे मैदान च ऐलान करवा दिओ कि जिन्हें एक बार भी जिंदगी च काबे की ईमान की हालत च ज़ियारत की है वह काबे के परद ना लटक जाए, मैं जन्नत चलिया खिंच के सारे हाजी ना लै जावगा। तो मेरे आका फरमान के काबा जिन्हें तेनों वेख्या उन्होंने तो तू लै जाएगा, तो जिन्हें मिसकीना तेनों नहीं वेख्या उन्होंने अज की बनेगा, तो काबा जन्नत वाल तुर पेगा तो आखेगा जिन्होंने मैनू वेख्या उन्होंने मैं लै जाना, जिन्हें नहीं वेख्या उन्होंने तुम लै जाए आ जाए, उन्होंने तुम लै जाए आ जाए, जिदा कोई ना हो फिर कमली वाला ही है ना। अच्छा जी लो जी हसन चीमा साहब कहते हैं शेर सुना दो, उसी सुबहान अल्लाह कहो तो मैं सुना देव भाई, काबा काबा ए कमली वाला काबे दा वी जिहड़ा मनदा बोले कमली वाला काबे दा वी, इहदे ते मैं पूरा जुमा पढ़ाया सी काबे दा काबा, याद होवे जिन्हों कि काबे दा काबा हजूर किवें ने आला हजरत फरमांदे ने हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो भाई, काबे दे उत्ते रहमतां वसदियां ने, उत्ते रहमतां कमली वाला आप रहमत है, ते जिहदे उत्ते रहमतां वसदियां ओनू वेख्या बंदा बख्शिया जांदा है, ते जिहड़ा होवे ही रहमत नहीं समझे। मेरे नबी ने फरमाया मंजारा कबरी वजह बतलहू शफाती, हजूर ने फरमाया जिहड़ा मेरी कबर दी ज़ियारत कर ले यानी गुंबद खिजरा नूं वेख ले, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया उहदे ते मुहम्मद दी शफात वाजिब हो गई, मैनूं सच्ची दस्सो जिहड़ा कबर नूं वेख ले ओह बख्शिया ते जिहड़ा मुहम्मद नूं वेखे।
ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਗਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਤਬੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹਰਵੇ ਘੜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਤਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਬਈ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ ਆਏ ਤਕਵਾ ਰੱਖੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਦਵਾਰਾ ਮਲੀਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਪੁੱਲ ਸਿਰਾਤੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕੀ ਹੱਜ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਵੇਖਾ ਤੇਰਾ ਲਓ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੁਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੁਮੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੱਜ ਦੀ ਹੈ ਆਰਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੱਕਾ 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 ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੱਕਾ ਤਾਲਿਬ ਹਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਊ ਸਵਾਰੀ ਮਤਬਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਦਿਲ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਊ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੱਜ ਸਵਾਇਆ ਊ ਜਮ ਜਮ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਬੋਲੇ ਆਖੇ ਦਮ ਦਮ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਫਿਰ ਹਰ ਦਮ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਇਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਫਿਰ ਜਮ ਜਮ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਨਾ ਚਰੀ
जिंदाबाद आमीन आमीन। इस वास्ते मैं आगाज आख्या से मुरशद काबे की तरह आता जिम्मे इतने खलो के आखी एक मुँह तरफ काबा शरीफ तो काबे का फैज मिलना शुरू हो जाता है। मुरीद भी जिथे खलो के मुरशद वाल ध्यान करे उत्थे ही फैज शुरू हो जाता है। दर मुरशद दा खाना काबा। हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला चल दोबारा मिलिए। अल्लाह ताला साडी हाजरी कबूल फरमाए।